अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 9 फरवरी से पहले ट्रस्ट का गठन होना है। एक तरफ केंद्र सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और दूसरी तरफ संत समाज भी मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित है। प्रयागराज माघ मेला में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर में संत और भक्त संसद का आयोजन हुआ। इसमें उपस्थित साधु संतों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए ग्राम ग्राम राम राम मुहिम चलाने का निर्णय लिया। सभा में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज ने कहा कि इस मुहिम के तहत देश के प्रत्येक गांव में एक संत जाएगा और सभी राम भक्तों को राम राम कहकर प्रत्येक ग्राम से 1 ग्राम सोना संग्रहित करेगा और राम मंदिर रथ के सारथी को सौंप देगा। इसके बाद सारथी रथ के साथ 1 ग्राम से 1 ग्राम सोना चला राम के नाम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ जाएगा। संतों ने शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत स्वर्ण जड़ित बाल मंदिर के निर्माण के विचार का भी अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि स्वर्ण संग्रह हो जाने पर हर प्रदेश से राम मंदिर रथ अपने सारथी के नेतृत्व में प्रयाग के मनकामेश्वर मंदिर पहुंचेगा और फिर वहां से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। इसके लिए कई प्रदेशों के राम मंदिर सारथी नियुक्त किए जा चुके हैं। इससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल पेश किया था। उन्होंने कहा था कि देश की जनता अयोध्या में ऐसा मंदिर चाहती है जो विश्व में अद्वितीय हो। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के साथ ही 21वीं सदी के निर्माण मानकों और मंदिर निर्मित होने पर भारी संख्या में पहुँचने वाले दर्शनार्थियों की आवश्यकता की दृष्टि से भी सर्वोत्तम हो। स्वामी ने कहा कि यह मॉडल पहला और प्रारंभिक मॉडल है। इसी तरह के और मॉडल आने पर उन्हें आचार्यों और जनता के समक्ष रखा जाएगा। उनमें से सर्वोत्तम को निर्माण के लिए चुना जाएगा। मंगलवार को पेश किए गए मॉडल की विशेषता के बारे में उन्होंने बताया कि यह 1008 फुट की ऊंचाई के साथ विश्व के सबसे ऊंचे शिखर वाले मंदिर का मॉडल है, जिसका गर्भगृह 216 वर्ग फुट का है। इसमें प्रतिदिन 1,08,000 लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इस मॉडल में 1008 बसों, 10,800 कारों और 21,000 मोटरसाइकिलों की एक साथ पार्किंग की जा सकेगी। साथ ही इसमें 3 इंडोर और 1 आउटडोर सभागार बनाने की भी व्यवस्था है। इस मॉडल को वाराणसी की हाईस्पैन इंजीनियरिंग ने तैयार किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।